मेरा सपना था एक बहुत अच्छी टीचर बनने का, और लीड ने मेरा ये सपना पूरा किया, और लीड के सपोर्ट से मैं बहुत कुछ कर पाई हूँ। मेरा नाम गुरजीत कौर सैनी है, मैं जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एल्गा पढ़ाती हूँ। एल्गा का इंपॉर्टेंस ये है कि बच्चों की थिंकिंग बढ़ती है, सोचते हैं बच्चे। ये बच्चे विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स शहर में रहने वाले, इंग्लिश कन्वर्जेशन होता था हमारा, तो ये बच्चों का बिल्कुल नहीं था। फिर बच्चों के जो हैं उनके पंजाबी डिक्शन बीच में 100% आ जाते हैं। जब स्कूल में लीड नहीं था तो हमें ये था कि चॉक एंड डस्टर था, लेसन प्लान रेडी करना था, एवरीथिंग। और अभी हमने लीड का देखा कि टैब ओपन किया, लेसन प्लान इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी, ये समय सब वेल प्रिपेयर्ड मिला, हमने सिर्फ उसको गो थ्रू करना है टीचर्स ने। लीड से हमें ये हेल्प मिली है कि बच्चों को स्टेप बाई स्टेप और एक मोटिव और वे ऑफ टीचिंग कैसे करनी वो समझ में आया। हर एक चीज़ एक प्लेफुल मेथड में बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। इमेजेस, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस फ्रेम करके लीड में हमने दिखा दिया, उसके नीचे अगर इमेज ना हो बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बच्चों ने इमेज देखी समझ में आ रहा। और एल्गा में क्या है, हमने सबसे पहले लीड ओपन कर दिया, बच्चों को बोला दिस इज़ अ विजुअल थिंग, ये आप देखो, फर्स्ट यू हैव टू लुक एट द इमेज। फिर उसके नीचे स्टेटमेंट यानी रीडिंग पार्ट आ गया, वो बच्चों ने कंसेप्ट क्लियर किया, समझ में आया। आफ्टर दैट ऑडियो विजुअल देन पेयरिंग, ओके ना व्हाट वाज देयर इन दिस पर्टिकुलर थिंग, वो पेयरिंग ग्रुप हो गया, देन एक्टिविटी वॉज बीइंग डन, तो ऐसे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता है। लीड बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बच्चों को लीड से ये समझ में आता है कि सिर्फ लेसन पढ़ना नहीं होता है, उसके पीछे क्या मोटिव है वो लीड में समझ में आता है। लीड ने मुझे बहुत हेल्प किया है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। बच्चे वैसे वेल ग्रो अप हो गए हैं, इवन इंग्लिश भी बोलना शुरू किया है, और इस हिसाब से बच्चों का भी कॉन्फिडेंस गेन हो गया है कि यस आई कैन डू इट।